अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी बीफ कढ़ाई, वो भी स्पेशल देसी घी में। तो बहुत ही आसान सी रेसिपी है इसकी। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना आपने नहीं भूलना, ताकि जो भी न्यू रेसिपी आए तो सबसे पहले जो है वो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। स्टार्ट करते हैं जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे सबसे पहले हमने बीफ का गोश्त लिया है, 3 kg के करीब है ये। आप अपने हिसाब से क्वांटिटी जितनी आपके पास अवेलेबल है उस हिसाब से भी बना सकते हैं। तो मेरे पास 3 kg गोश्त था, तो मैंने सबसे पहले प्रेशर में गोश्त डाले। इसके बाद जो है मैंने 4 से 5 मीडियम साइज़ के प्याज थे, वो मैंने रफली स्लाइस कट किया हुआ था, वो मैंने इसमें शामिल कर देने हैं। और उसके बाद सबसे मेन चीज़ जो होती है अदरक लहसुन का पेस्ट, जो लाजमी डलता है खाने में। 1 tablespoon लहसुन और 1 tablespoon ही अदरक का पेस्ट जो है वो आपने इसमें शामिल कर देना है। इसके बाद जो है वो हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे। मेरे पास 5 बड़े साइज़ के टमाटर थे, मैंने वो रफली स्लाइस कर करके वो इसमें डाल दिए हैं। स्पाइसेस में हम इसमें सिर्फ नमक ऐड करेंगे और इसमें कोई स्पाइस हमने ऐड नहीं करना अभी, सिर्फ नमक शामिल करना है हमने 1 tablespoon। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी इसमें शामिल कर सकते हैं नमक। इसके बाद जो है वो हम इसमें सिर्फ 1 glass पानी डालेंगे और इसको हमने प्रेशर लगाना है। पानी भी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि प्याज और टमाटर जो है वो अपना पानी भी छोड़ देते हैं सब्जियाँ। तो सिर्फ 1 glass पानी हमने डालना है इसमें और इसको जो है वो हमने 10 से 12 मिनट के लिए जो है वो प्रेशर लगा देना है। अगर आप इसको प्रेशर के बगैर बनाएंगे तो प्रेशर के बगैर ये ज़्यादा टाइम ले सकता है, आधा घंटा भी ले सकता है। ये गोश्त पे डिपेंड करता है कि कितने टाइम लेता है गलने में। तो यहाँ पे मैंने 15 मिनट के बाद प्रेशर खोला था, तो गोश्त जो है वो हमारा तकरीबन सॉफ्ट हो चुका है। बाकी का जो 20% है वो पकने के दौरान वो खुद ही सॉफ्ट हो जाएगा। तो मैंने इसको कढ़ाई में शिफ्ट कर लिया और इसी पानी में जो गोश्त की यखनी है इसी में जो है इसको हम पकाएंगे। और यहाँ पे मैंने आधा कप जो है वो ऑयल शामिल किया। ऑयल मैंने अभी ज़्यादा नहीं शामिल किया क्योंकि हमने जो है इसमें देसी घी डालना है तो फिर वो बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाता है। तो यहाँ पे कुछ साबुत मसाले हैं हमारे पास। यहाँ पे मैंने 1.5 चम्मच जो है सूखा धनिया, 2 दालचीनी के टुकड़े और 1 tablespoon भर के जीरा काली मिर्च और 2 बादियां तय के फूल लिए हैं। और यहाँ को जो है दरदरा सा ग्राइंड कर लेंगे और एक साइड पर रख देंगे। तो अब जो है वो हमने इसमें डालना है दही। यहाँ पे 1.5 प्याली के करीब दही है मेरे पास, ठीक है। तो अब जब आप देखेंगे कि मसाले की भुनाई हो चुकी है, प्याज टमाटर वगैरह हर चीज़ भुनाई हो गई है, तो उसके बाद जो है वो हमने इसमें दही शामिल करना है। और दही शामिल करने के बाद भी जो है वो हमने इसको 5 से 6 मिनट के लिए इसकी भुनाई करनी है, ताकि दही का पानी भी जो है वो ड्राई हो जाए और इसकी जो है वो ग्रेवी बन जाए। तो यहाँ पे आंच जो है वो मैंने इसकी तेज़ कर दी है, ताकि जो पानी है उसका जल्दी ड्राई हो, क्योंकि गोश्त जो है वो हमारा तकरीबन सॉफ्ट हो चुका है। तो बस यहाँ पे आपने तेज़ आंच करके इसकी भुनाई कर लेनी है 2 से 3 मिनट के लिए। उसके बाद आपने फ्लेम जो है वो मीडियम कर देनी है और इसको पकने देना है 5 से 6 मिनट के लिए। और उसके बाद यहाँ पे जो हमने गर्म मसाला इसका बनाया था ग्राइंड करके, वो आपने 2 tablespoon भर के डाल देना है, या आप अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट भी डाल सकते हैं। मैंने अभी 2 tablespoon डाला है, बाद में अगर मुझे कम लगा तो मैं डाल दूँगी। इसके बाद आपने 1 से 2 मिनट इसके साथ इसकी भुनाई करनी है और जो है इसको लो फ्लेम पर इसको पकने देना है। बहुत ही ईजी सी ये रेसिपी है, आप देख सकते हैं इसमें ना ज़्यादा स्पाइसेस हमने ऐड किए हैं, तो सिर्फ 2 से 3 मसाले इसमें हमने डाले हैं और बहुत ही मज़ेदार ये इसकी ग्रेवी बनेगी। तो जब आपको लगे कि इसकी ग्रेवी रेडी हो चुकी है और ऑयल भी इसका सेपरेट हो रहा है, तो उसके बाद गार्निशिंग के लिए हमें हरा धनिया, अदरक और हरी मिर्च चाहिए होती हैं, वो आपने कट करके इसमें डाल देनी है। ये चीज़ें डालने के बाद जो है वो मैं इसमें 1 बड़ा चम्मच जो है वो देसी घी का ऐड करूँगी। अगर आपके पास नहीं है तो वो आप स्किप भी कर सकते हैं, देसी घी इसमें ऑप्शनल है। और अगर देसी घी अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें मलाई भी ऐड कर सकते हैं या क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, उसके साथ भी जो है वो उसका टेस्ट बहुत मज़े का हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने देसी घी डाल दिया और अब मैं इसको जो है वो 1 से 2 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर जो है वो इसको दम दूँगी। उसके बाद जो है वो मज़ेदार बीफ कढ़ाई जो है वो रेडी हो जाएगी, बहुत ही मज़ेदार इसका टेस्ट होगा। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट लाजमी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।